तो युद्ध आरंभ करने से पूर्व क्या तुम कुछ कहना चाहते हो विनायक? हाँ जी, इस युद्ध में हम दोनों में से जो भी अधिक से अधिक अगोरियों पर विजय प्राप्त करेगा उसे कैलाश लौट कर अधिक से अधिक मोदक का सेवन प्राप्त। तुमने तो केवल 28 ही मारे। अब देखिए जेस, मैं किस प्रकार आपसे गिनती में आगे बढ़ता हूँ। जाओ, मालसा का ध्यान उसकी माँ की ओर खींचो, शीघ्र। आप महाकाली अवश्य होंगी, किंतु अपनी माँ को संकट में कदापि नहीं देख सकती। आप अवश्य उसकी रक्षा करने जाएंगी, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? युद्ध करने में तो बहुत ही निपुण हूं मालसा। जिसने मुझे ये निपुणता सिखाई है वो संसार का सबसे कुशल गुरु है। ये देखिए जी, सर। अरे बिना कुछ श्रम किए ही सर। ये बात है। अब ये तो ही ना निर्णय हुआ था कि सबको मानना आवश्यक है। सूर्यास्त होने को है। स्मरण है मुझे कि मुझे सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा अंत करना है। किंतु वो तो तब संभव होगा जब तुम जीवित रहोगी। माता, मैं मणि आपका भक्त। आप अपने पुत्र को मारोगी माता?
अपने पुत्र को मारोगी? अब क्या होगा महादेव? मल यदि इसी प्रकार छल करता रहा तो सूर्यास्त तक मालसा उसे कैसे पराजित कर पाएंगे? माता, भ्राता बार बार आपके प्रहार से बचने के लिए मेरे रूप का स्वांग रच रहे, किंतु माता, मैं इस स्वांग में सम्मिलित नहीं हूं। माता, मुझे मुक्त करो। माता, मुझे मुक्त करो। मैं अपने देह से मुक्त हो चुका हूं, किंतु इस चक्र से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। माता, माता, यदि मैं होता ना तो आपको प्रहार करने से कदापि नहीं रोकता। माता, नहीं बने। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। आप मुझे नहीं मार सकती। माता, आप मुझे नहीं समाप्त कर सकती है।